कि प्रदूषण जो हवा गंदी हवा ये सब चीज़ से, लेकिन यहाँ पे तकलीफ तो कई किस्म की है, लेकिन आदमी बोलते ना कि इतना वक्त नहीं इंसान के पास कि सीना दुख रहा है, खांसी हो रही है, कहीं चले जावे, कहीं बड़ा किसी आदमी को नॉर्मली खांसी भी होती है तो बड़े से बड़े डॉक्टर के पास हाथ पैर मारते हैं। यहाँ पे एक जनरल एक आम हो गया, हर किसी के घर में जाओगे देखना तो तुमको 55% छोटे छोटे एरिया के अंदर टीबी बीमारी मिलेगी। टीवी के इस पर भी कोई बहुत से संस्थाओं ने काम भी किया है, टीवी का आने के इलाज के लिए दवा मिलेगी, ये मिलेगी, कुछ दिन चला हो भी आदमी भी कंटालता कि अगर मैं सब दवाई देवे के पीछे भागूंगा तो मेरे चार बच्चे उनका पेट कौन पाए, तो अपनी दवा पे कम ध्यान देके अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान, इसमें रोग पर रोग बढ़ता चला है। लोगों को किसी को कुछ पड़ी नहीं है, गरीब माहौल के हिसाब से अगर जो मेन गार्जियन उसी को बीमार पड़ेगा तो उन लोग अगर वो दूसरे को पालेगा कैसे अगर दवा पानी में वो देगा। यहाँ पे ये ऐसा है हर किस्म की बीमारी बोलो तो ये जो डंपिंग केस बहुत किस्म की बीमारी, अपन उस पर चेक टेस्ट कराने जाएंगे तो कई किस्म की बीमारी नज़र खुल के सामने आएगी। बीच में एक हवा चली थी जो अंदर डंपिंग में जो कचरा छिड़ने वाले जो नॉर्म माइनर बच्चे लोग जो हॉस्पिटल का जो कचरा डंपिंग का फेंका जाता था तो इंजेक्शन ब्लेड ये सब वगैरह जो भी बहुत सी चीज़ थी वो चुन रहा है तो उसको खिल्ला घुस रहा है तो उसको हॉस्पिटल का जो सीरीज ब्रीज है उसका चुभ रहा है। तो बीच में जब चेकअप हुआ तो कई बच्चों को तो छोटे छोटे चुनने वाले बच्चों को एड्स दिखाया तो वो किसका दोषी है, वो तो क्या करा, सुबह भी जरा स्कूल गया शाम को आया, ऐसे बहुत से यहाँ पे भी है बच्चे ऐसे है कि जो सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाते 12 बजे आया घर में थोड़ा खाना खाया, माँ आता हूँ थोड़ा कुछ शाम का भी गुजारा हो जाएगा, घूमता है खाड़ी में घूमता थोड़ी लकड़ी जमा करता है उसमें किल्ला घुसता है पैर कटता है लकड़ी जमा करके फिर यहाँ की सलम्स की बेकरियों में जाके डालता है तो 2 रुपये किलो लेता है, वो बेकरी से भी पाव बनता है, उससे रहता जो पानी की बिस्लेरी की खाली बॉटल है वो चुनता है, 10-20 किलो वो जमा करता है, वो जाके 150 का बेचता है, वो बेच के लाके अपने माँ बाप को देता है कि मेरे घर में थोड़ा गुजारा हो जाएगा उसको। ये डंपिंग नहीं है, कहीं गरीब लोगों की इंडस्ट्री नहीं है, ये नुकसान जलने से बीमारी तो है ही प्लस इसीलिए डंपिंग कईयों का पेट भी पालती है, बहुत से लोगों का पेट भी पालती है और बहुत से लोगों को बीमार भी करती है, किसी को खैर उससे वो भी देता है तो किसी को तकलीफ भी देता है, लेकिन आदमी अपनी जो बोलते ना चटनी रोटी के हिसाब में रहता है तो अपने रोग पे और अपने दूसरी चीज़ पे ध्यान नहीं देता है, मेरे बच्चों का पेट पल रहा है ना, मेरी खांसी आ जाए कल चली जाएगी यार मैं ही चला जाऊँ ऐसा हो गया है। बीमार ऐसे कई लोगों के इनकी स्थिति ऐसी हो जाए बीमार पड़े उम्र भी दवा खाने के चक्कर काटे काटते 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 लास्ट में ये हो गया क्या हो गया फला चाचा का इंतकाल हो गया, क्या हो गए बोलो चुनते थे ना फला नारियल चुनने वाले चाचा हो गए, कल क्या हुआ बोलो थर्माकोल चुनने वाले चाचा ना हो गए, कल परसों क्या हुआ बोलो गोनी चुनने वाली खाला थी ना वो भी मर गई, तो इनका लाइफ ऐसा ही है, चुनते चुनते वो बचपन आया बचपन से जवानी आए फिर उनके बच्चे आए फिर वो चुनते चुनते वो चले गए फिर उनके बच्चों का लाइफ वो हुआ, फिर वो ये अपना ही दोस्त इब्राहिम लोग ये बाउंसर था अंदर इन लोगों को भी हटाया गया, इन लोग भी डंपिंग में थे बाउंसर की इसमें इन लोगों को भी हटाया गया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था ना इन लोगों को हटाया हमने, जब PNC अंडरटेकिंग में चलेगा बोले ये ऐसे ऐसा यहाँ पे चलता भाई, जितनी बारीकी यहाँ से खोदोगे तो मैं तो बोलता हूँ कि पूरी सोच लो अभी पूरी मुंबई ऑल मुंबई पूरी मुंबई का कचरा डंपिंग यार्ड में आ रहा है, सारी बुराई भी तो आ रही है अच्छा बुरा हर एक चीज़ आ रही है, यानी ये जो डंपिंग है बुराई को छाट के लाके हमारे पास फेंक रहा है, अच्छी चीज़ को कुछ ला के कोई फेंक रहा नहीं है, इधर घर के अंदर से कूड़ा ही फेंकता है, घर के अंदर से कोई अमूल बटर नहीं फेंकता है बाहर, घर से ताज़ा बना हुआ खाना नहीं फेंकता है, रात का खाना फेंकता है, इसका मतलब फुल वेस्टेज टोटल बीमार करने वाली चीज़, घर से फ्लैटों में टावर में रहने वाला इंसान मुंह पे रुमाल रख के बुरी चीज़ अपने घर से फेंकता है कूड़े में, कूड़े से गाड़ी में आता है गाड़ी से कुछ डंपिंग में आता है डंपिंग से हमारे घरों में सलम क्यों, इसका मतलब इतनी गए गुजरी गवंडी हो गई कि सारा कूड़े का ठेका बीमारी का ठेका मरने का ठेका गवंडी वालों ने लिया है, यहाँ के सलम सुनने लिया है, यहाँ के झोपड़पट्टी के गरीबों ने लिया है, बाकी अमीरों का उसमें कोई रोल नहीं है।
अर्जी वगैरह या कई काफ़ी दफ़ा बहुत एलिगेशन मारा, बहुत अर्जी मारा, कुछ नहीं पड़ता है। बीएमसी की जमीन है, बीएमसी को कंप्लेन भी तुम रह रहे हो इधर, भाड़ा भर रहे हो, तुम्हारे इस पर लिखा है गवर्नमेंट की जमीन बीएमसी की जमीन है, जब भी चाहे वो तुमको खाली करके हटाई हटना पड़ेगा। फिर हम लोग किसी चीज में अगर उंगली करते हैं किसी भी विरोध में, फिर वो हमारे को बोलते हैं तुम्हारा पत्र दिखाओ, या अपत्र है पत्र है, ऐसा करके हम लोगों के साथ खेलती है। वो सब चीज़ से लोग कटते थे, अरे यार हम उंगली करने जाते तो हमारे को उंगली करती है। दूसरे दिन नोटिस लगा देती, चलो झोपड़पट्टी खाली करो तोड़ो, यानी हर किस्म का कहीं ना कहीं गरीब मारा जाता है। तो आपके जब किसी चीज़ में हम लोग आंदोलन या किसी चीज़ में ताई केस में हम लोग करते हैं, फिर ये देखते हैं कि कौन कौन से बंदे का एरिया का कौन सा ये एरिया है, तो वहाँ पे दूसरा कुछ काटम कुटी छाटम छुटी चालू हो जाती है इन लोगों की। और जितने भी सियासतबाज नेता लोग आए तो फिर जाहिर सी बात है हमारे बीच में कम, ये नगर निगम में ज़्यादा बैठते हैं, तो ये हमारी वाली करेंगे कि उनकी वाली करेंगे, ये तो सोचने की बात है। सुनके तो हमने दिया हमारे एरिया से, लेकिन बैठा कहाँ जाके हो उनके वालों के बीच में, तो हमारी कम सुनेगा ना सर, तो उनकी सुनेगा, हमारी कहाँ से सुनेगा। मीडिया वगैरह आते हैं आपको? यहाँ पे कोई मीडिया नहीं आता। अभी बीच में ऐसे कुछ ऐसे मसले हो गए थे, एक टी वी जी माझा करके उन लोगों को न्यूज़ वालों को उन लोगों ने बुलाया था, तो क्या बोलता था कि भाई देख ये एरिया में हम लोग को कुछ टैली करने का कुछ हुए नहीं, हम लोग को जो हम लोगों का बॉस है उन लोगों को दिखाने के लिए शो मना किया, ये कुछ भी होता है यहाँ पे, कुछ ऐसे क्राइम के मसले में बोला गया था कि ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहा है, ये है लोगों ने इस लोग पुलिस ने लाया मारा, मारने के बाद में वो बंदा अंदर ही चौकी में सुसाइड कर लिया, ऐसा कर लिया, और उसी के कजिन या उसके रिलेटिव वाले के ऊपर उसका केस डाल दिया, सब मसले में एक मैटर बता के देख कैसे गया। नहीं नहीं बाबा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये सब इस शो को हम लोग दिखाएंगे नहीं, तो हम लोग इसमें दिया कि गौंडी ब्लैक यहाँ की कोई न्यूज़ नहीं छपी, इतना करप्ट है। और यहाँ पे तो ऐसा है कि यहाँ पे यहाँ की मीडिया आके फोटो नहीं खींचती है, यहाँ की मीडिया आती तो सीधा चौकी में बैठती है, काय साहब कैसा गया उनसे मिलती है, वो अपना पाकिट वहाँ से लेती है, उल्टा हिसाब है, उल्टा चोर कोतवाल उल्टा चोर को पाकिट बांटता है, यहाँ पे ऐसा है। आप न्यूज़ वाले आप जाके कहीं किसी ऑफिसर के सामने बैठे हो साहब मैंने ऐसा ऐसा सुना हो, तो ऑफिसर तुमको ठंडा पिलाएगा, ये फर्स्ट टाइम सुनेंगे गौंडी के अंदर, देख लेना और समझ भी लेना। तुम चौकी में जाके बैठो साहब मैंने ऐसा ऐसा सुना हो, ऐसा ऐसा अनलीगल यहाँ पे कारोबार चलता है, आप क्या एक्शन नहीं ले रहे हो आप तुम, ओ साहब जाऊ देना तुम्हारा काय कर रहा है सर, बोल के आपको ठंडा पिलाएगा और इनको बोलेगा गाड़ी में बिठा, गाड़ी बिठा के छोड़ गया इनको, जब इनका एक पैकेट दे दे। यहाँ पे उल्टा मीडिया पुलिस से पैसा, बीएमसी ऑफिसर से पैसा सबसे लेती है, अब पत्रकारों आपको नगर पालिका के आदमी लोग आपको हफ्ता देंगे, अगर जरा से भूल दो अनथ्राइसी ये बिल्डिंग इतना बड़ा खड़ा किया है, किसका परमिशन मिला क्या है, तो वार्ड ऑफिसर वो खुद तुमको बुलाएगा, जाओ दिया साहब कसा का है, वो तुमको देगा, उल्टा हिसाब है यहाँ पे ऐसा है। सलम से डंपिंग है, यहाँ पे जमीन डंपिंग वाली जमीन है, यहाँ पे एक बस जाएगी ना अभी तो यहाँ बैठो, अगर थोड़ा और अंदर के रूम में बैठोगे बस स्पीड में जाने तो यहाँ हिलता है सब लोग, यहाँ 40-40, 60-60 फीट लंबा टावर जैसा खड़ा कर दिया, लेकिन तीन तीन माले का अलाव थोड़ी है, सब करप्शन से चल रहा है। और किसी चीज़ का बोलोगे तो बीएमसी ऑफिसर तुम अगर बोलोगे लेटर डालोगे तो रूम वाला पहले तुम आपको पहले लेट देगा, लेकिन ऑफिसर कॉलोनी ऑफिसर आपको पहले लिफाफा दे देगा, इतना है ये हम लोगों ने अपनी आँख से देखा, नहीं देखा तो कॉलोनी ऑफिसर खुद रूम वाले को बोलेगा भाई कौन सा पत्रकार है जा उससे मिल, उसको जो भी चाय पानी दे दे, नहीं तो मेरे को बोलेगा तो मैं आके तोड़ूंगा, यहाँ पे ऐसा करप्ट चलता है, ये गवंडी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये जो डंपिंग ग्राउंड में आग लगी थी 3-4 दिन पहले, तो ये हमेशा लगती रहती है कि अभी लगी थी? अब का जो लगा है तो अनलिमिटेड ऐसा लगा है कि बुझने से बुझरी नहीं है, ऐसा है, पहले तो भी थोड़ा बहुत नॉर्मली कहीं लगती थी, जैसा कोई स्मोकिंग करके फेंका उसके भाप से ऑक्सीजन से या कोई भी कारण से ऐसा छोटा मोटा लग जाता तो समझ में आता था, फौरन दंगल विभाग की गाड़ी आती थी पानी मारती थी बुझ जाता था। अब कोई अंगार ऐसी लगी ऐसा लग रहा कि कहीं घंटों हो गए, 72 घंटे से मेरे अंदर ऐसे कुछ 5 दिन हो गया है, कारण सुबह बुझा रहा शाम को उबल के आ रही है, आज यहाँ बुझा रहा है तो 200 फीट की दूरी पे वहाँ से धुआं निकल रहा है, यहाँ बुझा रहा तो 300 फीट की दूरी पे वहाँ से निकल रहा है, यानी जमीन के 100-100 फीट नीचे अंदर तक पूरा साफ हो चुका है।
अब वो नीचे को अल्टी पल्टी का जब डंपिंग कचरा होएगा तब जाके बुझेगा, नहीं तो ऐसा बुझेगा नहीं। आग के पीछे रीजन क्या हो सकता है, क्यों क्यों लगी होगी यहाँ पे? इसको तो बोल नहीं सकते, बोलने वाले का बोलना है कि ये सब सियासत लेवल से अंगार लगी है। जब किसी को कुछ करना नहीं रहता तो ये सब चीज करा के एक इशू बना देते कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट बेचता है, बीएमसी का ऐसा है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट खाते पे चलता था डंपिंग, अब बीएमसी अंडरटेकिंग में आ गया करके इसलिए ऐसा हो रहा है। बोलने वाला ऐसा बोलता है। बहुत से ऐसे लोग बोलते हैं कि जो जलन चुनने वाले लोग हैं उन लोगों का काम है, लेकिन कोई भी अपनी रोजी रोटी की जगह कोई अपनी जलाता नहीं है। जिस जगह से मेरा घर बाल बच्चों का पेट पलता है तो मैं उस जगह को जलाऊंगा नहीं। ये तो कई गरीब लोगों के ऊपर लाश में थोपा जाएगा कि उसके आंग पे डाल दो, कि जब ऐसा इंक्वायरी बैठेगी कौन किया, बोले चार गांव से जो अड़ोस पड़ोस के चुनने चाने वाले गरीब को लाएंगे, उसके ऊपर केस बनाएंगे, लोगों ने अंगार लगाया था तो गरीब को डाल के वो जेल में सड़ेगा, मामला वही दब गया। ये सियासत लेवलों से अंदर इतनी बड़ी खाड़ी डंपिंग है, इसमें कहीं सियासत गाड़ी चलती है, कई नेता इसमें शामिल, कई कितने कितने लोग इसके अंदर शामिल है। बीच में हमारे एमएलए साहब का भी नाम आ रहा था कि बोले वो भी इसमें इन्वॉल्व है, इतना करोड़ ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिए। नहीं, दुनिया के कई किस्म की कई बात होती है, आप लोग भी सुनते हैं। लेकिन घूम फिर के जब लास्ट में जब वो आता ना कि आप उसका निचोड़ क्या है, इंक्वायरी भी क्या मिला, बोले क्या हुआ, बोले फला के वो चुनने वाले लोग थे, उन लोग को चार लोगों को पकड़ा गया, वो लोग ने डंपिंग में अंगार लगाए थे, पता चला उनके घर में देखो खाने के वांदे, वो गरीब डंपिंग जला के क्या करेगा। एक इशू बनाना था, गोर गरीब था वो, उसको कोई पूछने वाला थोड़ी, इसकी तरफ से भागदौड़ करने वाला नहीं, तो उसको कौन पूछे तेरे साथ न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? उससे पूछा पर्सनल, जब पूछेंगे उससे, भाई मैं तो यार मैं जाता था लकड़ी चुन के आता था यार, मेरे को पुलिस बुलाए, चला इधर सामने बुलाए, इंक्वायरी करना है तो डाल दिया केस, कुछ भी डाल के अंदर कर दिया। तेरे को पता है तेरे ऊपर कौन सा केस डाल के ला के यहाँ पे डाला है? कुछ नहीं पता मेरे को, बोला छुटिएगा तू जल्दी, टेंशन मत ले। अरे पागल, बोले तेरे ऊपर डंपिंग जलाने का केस डाला गया? बोले मैं तो भाई डंपिंग से तो मेरा पेट चलता, मैं क्यों जलाऊंगा? उसको खुद को पता नहीं होता कि मेरे ऊपर क्या कलम डाला गया। तो गरीब है वो बेचारा, वो झेलता है, सड़ता है, 6 महीने की सजा काटेगा साल भर। सियासतकारों ने सियासत खेल लिया, टेंडर के लिए क्या क्या कर देता आदमी देखते नहीं हो कि कहीं किधर का किसका ब्रिज गिरवा दो, बोला कॉन्ट्रैक्ट वाले पे डाल दो, मजदूर पे डाल दो, कुछ भी डाल दो, वैसे यहाँ की सियासत जला किससे कैसे जला रहेगा? लाश में घूम फिर के आएगा चुनने वाला, भैंस वाला, भला वो मजदूर इन लोगों पर डाल के सल्लड़ जाएगा, मसला खत्म। कहाँ अंगार लगी थी, कैसे नुकसान हुआ था, कुछ दिन के बाद लोगों में सब भूल जाएंगे, कोई किसी को याद नहीं करता है। थोड़ा दिन का एक वो रहता है, जैसे बोलते हैं ना, जिस घर में अगर मातम होता है, मैयत होती, तो 4 दिन का रोना होता है, 5वें दिन फिर अपहर कोई अपने कारोबार में चला जाता है। वैसा ही है, अभी तकलीफ हो रही है तो खैर एयरपोर्ट वाले ने, सहारा वालों ने एक्शन उठाता है करके फौरन यहाँ पे एक कार्रवाई हो जाती है, नहीं तो एयरपोर्ट ना रहे तो यहाँ के लोग तो रात दिन धुएं से मरते रहे। अरे एक छोटा मिसाल लेके लो, और भी जगह शमशान कब्रस्तान होगा, हॉस्पिटल भी होंगे, जे साइन राजावड़ी हॉस्पिटल, वहाँ की आप सर्वे करके देख लो ना कि वहाँ पे गोंडी श्रीनगर के कितने पेशेंट मिलेंगे आपको, और न्यू बॉम्बे के और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के कितने पेशेंट मिलेंगे, जो इतने से आप एक रिसर्च करके देख लेना। ज़्यादातर सब सलम्स के मिलेंगे, और देववारिस में भी मिलेंगे तो बॉडी मिलेगी, कम शमशान में जाओगे तो वहाँ बॉडी ज़्यादा कहाँ से आ रही, श्रीनगर की बॉडी है। क्या हुआ था बीमार, सब यही है। हमारे यहाँ कब्रस्तान भी टॉप में चलता है, हॉस्पिटल भी टॉप में चलता है, पुलिस स्टेशन भी टॉप में चलता है, दवाखाना भी टॉप में चलता है, और वेस्टर्न चैनल साइड में चले जाओ, वहाँ का शमशान भी सन्नाटा है, वहाँ का दवाखाना भी सन्नाटा है, वहाँ की चौकी भी सन्नाटी है, वहाँ पर हर चीज़ सन्नाटी है। क्यों? वहाँ पे ऐसे लोग है नहीं। कॉन्ट्रैक्ट जो था आपने कहा एक गया आदमी, कितने सालों से चल रहा था? अब इतना तो पता नहीं क्यों, बहुत आज से काफ़ी साल पहले हम लोग सुनते थे, बीएमसी गए वॉचमैन रहते थे, सब समझ में आता था, बीएमसी रफीक नगर से एक गाड़ी जाती थी, यहाँ से जाती थी। अब बात जब देखने लगे हम लोग कुछ साल पहले के सब बॉडी बिल्डर लोग बाउंसर जैसे दिखे थे, हम लोग बोले ये कैसे क्या, बोला ये प्राइवेट हो गया ना, बोले हम लोग सुनते थे ये प्राइवेट हो गया, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई, अब यहाँ पे कोई अंदर जाएगा तो दीवार बन गई, पहले दीवार नहीं था, दीवार बन गई है, कोई सब CNG प्लांट है, ये प्लांट है, ये सब सुनते थे सब। डंपिंग के अंदर जाना सख्त मना है, फाइन है, कोई भी देखेगा तो उसको पकड़ के फाइन मारा जाएगा, छोटी पुलिस लेके जाएगी,
सुनते थे, जब सुनते सुनते जब बाद में मालूम पड़ा कि हाँ रियल में ये कॉन्ट्रैक्ट दूसरे किसी का है, बीएमसी के अंडरटेकिंग में नहीं चल रहा। अब फिर वापस ये जब मसला ये अब उठा तब मालूम पड़ा है कि ये मसला ऐसा था कि कॉन्ट्रैक्ट तब खत्म हुआ है, बोले बीएमसी के अंडरटेकिंग में आया है तब ये हुआ मसला ऐसा शायद तभी हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट वालों के सब पे जॉब के हाँ अभी देख रहे हो, वॉचमैन लोग से पूछ रहे हम लोग तुम लोग क्या हो बॉडी का अभी गार्ड्स में नहीं है तुम लोग, बोले ने हम लोगों को हटा दिया अभी, हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया अभी बीएमसी उन लोग के मुँह से सुने, बोला बीएमसी का अभी चल रहा है, बोला कि बीएमसी के हाथ में फिर से बेरोजगार, फिर वो बेरोजगार फिर हो जाएगा कहीं ठेला घसीटेगा कि कहीं कुछ बेचेगा कुछ गिरेगा, जो बेचारे चुनने से अभी डंपिंग भी बंद हो गई है, जो गरीब जो गोर गुरबा बेचारे से चुन के अपना घर चलाने वाले लोग थे अभी कहीं होटलों में मजदूरी करेंगे, प्लेट धोएंगे या कुछ बेचेंगे, कोई अंडा बेच रहा है, कोई पाव बेच रहा है, कोई वड़ा पाव बेच रहा है, कोई भजिया बेच रहा है, यही करेगा क्या करेगा, उसके पास कोई रीजन है नहीं, उसको कोई अच्छी जॉब तो मिलेगी नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, गरीब है, अभी पेट पालना है, कहाँ जा रहा है कि वहाँ पे जैसे गुंडे टाइप के लोग भी घूमते हैं और ना नशा नशे नशे के इससे नशे की जो लोग हैं जाहिर सी बात है उसको इत्मीनान मांगता है शांति और एक तो ऐसी जगह ढूंढेगा ना जहाँ सन्नाटा रहे और कोई ना रहे, तो डंपिंग ग्राउंड एक ऐसी जगह है जहाँ जल्दी कोई आता जाता नहीं है और चुनने चाहने वाले लोग हैं वहाँ कौन उनको डिस्टर्ब करेगा, इसीलिए वो लोग वैसी जगह को ढूंढते हैं। पुलिस अपना काम कर रही है कि पुलिस जब भी जाती है तो दो चार को पकड़ पकड़ के लेके जाती है नशा वाले को, कहीं हो सकता है उन लोग कुछ हरकत करें छिनम छानी लूटमारी, पुलिस पकड़ती है कहीं कोई भी अगर अंजाए अनोन आदमी ऐसा नशे का इसमें हालत में दिखा तो उसको पकड़ के लेके जाती है पुलिस। आग बुझाने के लिए क्या ट्राई कर रहा था बीएमसी ये भी किया, बीएमसी ने फायर ब्रिगेड के हाथ में दिया, फायर ब्रिगेड वाले भी लोग जो बुझा रहे उसको डेली कंट्रोल होता है, फिर कंपलसरी एक बोरवेल मोटर लगा के छोड़ देने दिया है, टैंकर आता है रुकता है इतने देर में, तो बोलते ना कि कपड़ा भिगा के निकालो तो हवा लगती सूखता है, तो भाप है भाप से तो कचरा सूखते रहता है जल्दी, तो पानी मारने तक वो भाप पानी को उड़ा देता है, फिर वो लगता है यहाँ घुसता है तो आगे जलता है, वहाँ घुसता है तो आगे जलता है, मशीन जैसा कुदरती जो बारिश होती है सब जगह गिरती है, कुदरती बारिश तो बीएमसी है फायर ब्रिगेड तो गिराएगी नहीं, एक जगह पाइप पकड़ के खड़ी रहेगी, कुदरती बारिश हो गए तो शायद ये ठंडा हो जाएगा उस तरीके का होगा, फायर ब्रिगेड से कितना मुझेगा, तीन चार दिन से भिजा रहे लोग फिर भी रात दिन कर फिर भी लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा, कहीं एकल का है वो सब पूरा सब भवरे के शरीर का जला है, नॉर्मली एक आध जगह जला होता तो वहाँ खुद खाद करके लोग पूरा टैंकर पलटी करके बुझा जाए कितना बुझाए, और ये आग ऊपर की आग नहीं है भाप वाली आग गैस की जैसी नीचे से जाती है, ये अंगार ऊपर की नहीं है, अब एक कांडी फेंकोगे ना तो अंगार नहीं लगेगी, कांडी जल के नीचे जाएगी जैसा मोम में होल कैसा होता है उस तरीके का होता है, खोखला भूसा जैसा कांडी लगाओगे तो भूसा ना रात बनते बनते डीप में जाता है, अंगार नीचे लेके जाता है, वो नीचे से जलता है हवा से जलता नहीं नीचे जाता है, तो डंपिंग की अंगार ऐसी होती है नीचे से जाती है ऊपर से नहीं जाती, कई दफा अभी भी कोई अनजान आदमी रहेगा जो यहाँ का रात दिन चलने वाला घूमने वाला अंदर जाने वाला आदमी जो चुनने खाने वाला उसको पता है कि इस जगह से जाना नहीं इधर नीचे कमजोर है या नीचे अंगार है उसको पता रहता है, जो अनजान आदमी जैसा नया चुनने वाला नया ऐसा आदमी रहता कई लोगों का हाथ पैर जल चुका है, कई जानवर मवेशी अंदर मरे जो गाय बैल अंदर भैंस है बीच में तो सात जानवर जल गया था खाली उसको कुछ जानवर तो जानवर वो रात थी अंदर ही अंदर उसको पता नहीं गया और पूरा घप करके अंदर घुस गया पूरी भैंस कोयला हो गई ऐसी रात का जरीका पड़ी है, सुबह जानवर वाला आया देखा तो पूरे अक्के जानवर जिंदा जानवर जल गया ऐसा हो गया, तो ये रात वाली अंगार ना खतरनाक है नीचे की पता नहीं चलता, रात दिख रहा हल्का हल्का धुआं निकलता है लावा जैसा धुआं निकलता है, जब कोई चीज़ अगर कहीं शीशा में पत्थर जैसा मारोगा ना पट करके अंदर घुसता है, कोई भी आदमी अनजान में रात जैसा दिखता है बोले धुआं तो वहाँ से निकलता है और यहाँ पैर का घप करके गया सीधा अंदर घुस पूरा हड्डी के साथ निकलेगा, इतना बुरा खतरनाक अंगार होता है, जाना की टेंशन नहीं तो समझ में आता है जगह समझ में आती है, नया आदमी धोखा खा जाता है कोई धोखा खा रात के जैसा रहेगा तो दिन में समझ में भी आता है कि भाप मारता है आसपास से पूरा सा भाप मारता है मुँह पे जहाँ रात है आसपास में रात उसे मालूम हो जाता कई दफा हुआ है, अभी हम लोग एक रिलेटिव केस में किसी का एक का बच्चा जला है
रसिक नगर का, न कि मेरी बहन के दूर के रिश्ते में उसका बच्चा जल के मारा था। उन लोग भी गरीबी मालियाला, वो लोग गरीबी थे तो लोग खेलने गए, खेलने नहीं, वो लोग उन लोगों के पास भी था, वो दिया था बड़ा बच्चा, बोले तो बड़ा बच्चा है, चुनता था कुछ लकड़ी विकड़ी चुनता था उसको, वो भी ऐसी रात में गिरा, जंगल की रात खतरनाक, दलदल कैसा होता है, एक दलदल बोला जाता है कि जो लपक रहा है, दलदल रहता है जो खींचता है इंसान को नीचे, वो आँख दलदल वाली आँख, वो अंदर ऊपर से अंगा ऐसा दिखता कि जमीन है लेकिन अंदर अंगार है, पूरा ऐसी अंगार है, बिल जैसी अंगार है, खोखला नीचे रहता, अगर लोड पड़ा जहाँ हल्का पड़ा तब करके अंदर चला, ऐसी खतरनाक अंगार है। सिस्टम से और प्लांट से बुझेगी अंदर और कुछ नहीं, बस प्लांट से काम कर रहे लोग, बुझ जाए तो अच्छा है कि बीमारी से सबको वो हो जाए। तो बीच में तो हम लोग यहाँ थे और यहाँ से बम्बई तक गए, तो बम्बई तक ही धुआं दिखा हम लोगों को, पहला दूसरा दिन तो ऐसा लगा, मेरा यानी शुक्रवार और गुरुवार शुक्रवार के दिन तो ऐसा हाल तक है, यहाँ से बीटी तक धुआं दिखा, फ्री वे से वहाँ तक गए थे, वहाँ तक पता करे थे, बोले वहाँ पे भी धुआं दिख रहा, कहाँ से धुआं रहा, सब लोग ऊँच है, लेकिन जो वहाँ से यहाँ से वहाँ गया रहेगा तो उसको समझ में आएगा ये धुआं वहाँ का है, वहाँ वाला तो ये गफलत में है कि बस धुआं यार ये लगता ऊँच है, मतलब जलने की महक आ रही है तो समझ, ऊँच होती तो ऊँच की खुशबू आती, जलने की बदबू नहीं आती, उसको ये समझ में नहीं आया, लेकिन धुआं दिख रहा, बोला ठंडी का टाइम होगा शायद कोहरा है, और ये धुआं रात में ज़्यादा महसूस होता है, रात के टाइम का ठंड से धुआं ऊपर जाता नहीं है, धुआं नीचे रह जाता है, और वासी के उस तरफ कम जाता है इसलिए कि बीच में पानी है, पानी से रात के टाइम पर भाप फेंकता है, धुएं को ढकेल देता है, तो इस तरफ जाता है धुआं, उस तरफ नहीं जाता। अब बाइक से कार से भी हो जाता होगा, जुम्मा वाले दिन बताए, शुक्रवार वाले दिन तो ऐसा लग रहा था, मैं खुद रात के टाइम डर के उड़ गया कि मतलब मुझे कुछ ऐसी जहरीली महसूस बास आ रही है, तो मैं घर में उठ के देख रहा हूँ, मतलब कहीं कुछ जला है, जब देख रहा हूँ कि कहीं कुछ जला हुआ नजर नहीं आ रहा, तो मैं बाहर निकल के जैसे दरवाजा खोल के देखा, बाहर कुछ जला है, कुछ ठंडी से कुछ जला के छोड़ दिया हुआ था तो उसका धुआं आ रहा, बाहर जब निकल के देखता हूँ तो बाहर में रोड पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो बोला बाप रे इतना धुआं कहाँ से है, एक वो तबेले वाले को पूछा तो बोलता भाई अंदर जाओगे ना आमने सामने का आदमी नहीं दिख रहा, इतना धुआं हो रहा, इतनी बुरी तरीके से डंपिंग चली है, और रात का जला हुआ वो रात ही भर के अंदर धुआं फैल गया ठंड से, वो दो तीन दिन कंपलसरी ठंडी नहीं थी, क्लाइमेट ठंड का क्लाइमेट था, उसके दरमियान में अंगार जो लगी और ठंड से हवा में फैल गया पूरा, तो नीचे रह गया, बाकी दिन में अंगार जलाओगे आप तो देखो अंगार का धुआं सीधा ऊपर जाएगा, रात में वही अंगार जलाओगे बुझाओगे तो रात में धुआं देखोगे आपको सीधा ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आएगा, तो धुआं इधर उधर चलता नजर आता, यही वजह है कि रात को ठंड से नीचे धुआं होता है। आपका नाम हारून शेख जी? हारून शेख, अशरफ अली शेख, हारून अशरफ अली शेख। आपको लग रहा है कि ये डंपिंग ग्राउंड वो बंद किया जाएगा और फिर कहीं और हटाया जाएगा डंपिंग ग्राउंड को, जैसे कि अखबार में अभी आया है कि नाभी मुंबई में वो शिफ्ट करना चाहते हैं? 200 साल से तो सुन ही रहा हूँ यहाँ से डंपिंग हटेगा, बंद होएगा, मुलुंड में जाएगा, जाता है कई महीनों के लिए मुलुंड जाता है, फिर मुलुंड से साल 6 महीने में रिटर्न आ जाता है, फिर यहाँ चालू है, जाता सुनते सुनते हम लोगों के बाल भी सफेद हो गए, लेकिन आज तक सुना गया नहीं है, जाएगा सुना लेकिन गया नहीं, अगर चला भी गया तो बम्बई के अंदर ही दो ही जगह बची है, और जाएगा कहाँ कचरा, तो मुलुंड में जाएगा इधर ही आएगा और कहाँ जाएगा, ये दो ही जगह कचरा जाएगा, मुंबई के अंदर ऐसा कौन सा एरिया मैदान बताओ, कोई मैदान में कचरा डालने देगा क्या, वासी का समुंदर या माहिम का समुंदर, जूह चौपाटी के समुंदर में कचरा डालने देगा, ये वर्ली गटर में कचरा डालने देगा, आखिर ये कचरा डिस्पोज होगा कहाँ, ये भी तो हाल है कि कहाँ जाएगा कचरे की जगह किधर है, अभी न्यू बॉम्बे में जो बड़े बड़े जो डंगर जो पहाड़ी बने ले, जो खंडर जमीन बनी हुई है वहाँ डंपिंग मनाया जाएगा क्या, वहाँ वाले आप बनने देंगे नहीं, जो है सो है वहीं है, जाओ गुंडी वालों के बीच में डालो कचरा, इसीलिए घूम फिर के लास्ट में बंद होता है, साल 6 महीने फिर चालू हो जाता है, भैया कोई रास्ता नहीं है, वहीं का कचरा वहीं फेंको, ये सारी मुंबई की आवाज़ है, सारे मुंबई मिल के उठाना चाहिए कि हम लोगों का कचरा कहीं डाला जा रहा है, तो वहाँ वाले लोग के भी बारे में कुछ सोचना चाहिए कि वहाँ वाले लोगों पर क्या बीत रही है, हम लोग हमारा घर का कूड़ा दान कूड़ा कचरा तो फेंक तो दे रहे, लेकिन हमारा कचरा कूड़ा जाके किसी और लोग को बीमार कर रहा है,
वो लोग को भी सोचना चाहिए, उन लोग को एक्शन उठाना चाहिए कि कुछ कचरे का कुछ हल निकाले। या तो बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्री जैसी कंपनी बनावे जो डिस्पोज करने वाली चिमनी जैसी। बाहर बहुत सी जगह ऐसी बनी है कि जो कचरे से बहुत चीज का इस्तेमाल करते हैं, उसको डिस्पोज करो, रिसाइकलिंग, हाँ उसको डिस्पोज करो। बाहर गल्फ से बड़े बड़े प्लांट आते तो ये सब प्लांट नहीं आ सकता, क्योंकि गरीब लोग मर रहे ना, तो इससे बड़े लोग का फायदा नहीं है, इसीलिए इसके लिए कोई प्लांट नहीं है। ये कचरा गल्फ में देखो, सुनते जब टीवी में आजकल हर कोई डिस्कवरी देखता है कि वहाँ पे कचरा भी, कचरे का भी इस्तेमाल किया जाता, कचरे को डिस्पोज किया जाता, धुआं बना के चिमनी से कहीं आसमान की कहीं ऊंचाई में छोड़ा जाता। वो सब प्लान कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, क्या पड़ी है किसको इतना खर्चा दिखा दिया वो सब करने। ये सब लंबी है, सब घूम फिर के गरीब पे आना है, मरना उन्हीं को है,